अस्सलाम वालेकुम सब बच्चों को, उम्मीद है आप सब बच्चे सब खैरियत से होंगे। मैं प्राइमरी लर्निंग बाय सबा, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो 14 नवंबर पर है, यौम-ए-अतफाल पर, चिल्ड्रंस डे पर। आप सब बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज का वीडियो चिल्ड्रंस डे पे आप सब बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज यौम-ए-अतफाल है, चिल्ड्रंस डे है, 14 नवंबर है, चाचा नेहरू के यौम-ए-पैदाइश का दिन है। इस शेर के साथ मैं आपके सामने चंद जुमले कहना चाहूँगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज 14 नवंबर है, 14 नवंबर यौम-ए-अतफाल के तौर पर मनाया जाता है। आज हिंदुस्तान के वजीरे आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम-ए-पैदाइश का दिन है और यौम-ए-पैदाइश को हम यौम-ए-अतफाल के तौर पर मनाते हैं। चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत बहुत प्यार था और फूलों से भी बहुत लगाव था, और वो हमेशा कहते थे कि आज के बच्चे कल का हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल रहेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के साथ घंटों बिताते थे, उन्हें बच्चों से बहुत बहुत प्यार था। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब नासिर अली शेख साहब हैं। इन्होंने आप सब बच्चों के लिए कुछ मैसेज दिया है, के लिए कुछ शेर कहना चाहूंगी। मंजिल के फासले तो इरादों की जिद में है, मंजिल के फासले तो इरादों की जिद में है, उठे कदम तो नक्श कदम वो लेने लगे। नासिर अली शेख सर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, और जब भी ये स्कूल में आए तो ये हमसे बहुत ही अच्छे से मिले, और हमारी गलतियाँ, हमसे कोई गलतियाँ भी हुई स्कूल में तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी सर की, कि सर ने हमें कोई भी बात को बहुत ही अच्छे से समझाया। तो सर बहुत ही जानी मानी शख्सियत है। तो सर का हम मैसेज देखेंगे कि सर ने आप सब बच्चों के लिए आज यौम-ए-अतफाल पर क्या मैसेज दिया है, देखते हैं हम सर का मैसेज। और रखी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर ने अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर ये मैसेज आप तक दिया है। मैं बहुत 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 ही सर की शुक्रगुजार हूँ। और तो चलिए हम देखते हैं कि सर ने हमें क्या मैसेज दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर अली शेख एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एमएस वार्ड से बोल रहा हूँ। आज 14 नवंबर बच्चों का दिन। दुनिया में हर दिन किसी न किसी के नाम से मंसूब करके दिन मनाया जाता है। 14 नवंबर तो बच्चों का दिन से नाम से मंसूब किया गया है। क्यों किया गया? चाचा जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर, और चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत थी, इज्जत थी, एहतराम था। लिहाजा बच्चों के दिन में मैं तमाम बच्चों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चों आपको अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, माँ बाप की फरमा बरदारी करनी चाहिए, और पढ़ लिख कर ना ही अपना बल्कि अपने माँ बाप का, अपने कौम का, अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। तो बच्चों अब इस लॉकडाउन के पीरियड से हम मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आए हैं, लेकिन हम बहुत ही तकलीफ तंगदोश से गुजर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, बल्कि अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, इंशाल्लाह आप यकीनन कामयाब होंगे। मुझे से ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बच्चों को बहुत बहुत मुबारक बच्चों के दिन के लिए। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह सर ने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं बच्चों को,
थैंक यू सो मच सर, जजाकल्ला खैर के आपने ये मैसेज बच्चों के लिए दिया है। थैंक यू सो मच, आपका कीमती वक्त निकाल के आपने ये मैसेज दिया है। थैंक यू सो मच सर। हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी से आपको मिलवाऊंगी और इनका भी एक मैसेज है आप सब बच्चों के लिए यौमे अतफाल पर। और आप बहुत ही जानी मानी शख्सियत है जिनका नाम है जनाब नासिर यूसुफ अंसारी सर। आप सहाफ़ी, एजुकेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, सिंगर, ड्रामा नवेस, हिदायतकार, मौलिम, समाजी सकाफती, अवामी अंजुमनों से वाबस्तगी वगैरह। माशाल्लाह सर बहुत ही जानी मानी शख्सियत है और आपने भी सब बच्चों के लिए आज यौमे अतफाल के मौके पर एक मैसेज दिया है। तो मैं सर की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर ने अपना कीमती वक्त निकालकर आप सब बच्चों के लिए कुछ मैसेज दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि सर ने आप सब बच्चों को क्या मैसेज दिया है। और सर के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो चलिए देखते हैं कि सर ने आप सब बच्चों के लिए क्या मैसेज दिया है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपकी दिवाली की छुट्टियां बहुत अच्छे से जा रही होंगी और इन दिवाली की छुट्टियों में आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने होंगे, घरों में रह रहे होंगे। बच्चों पता है आज कौन सा दिन है और आज का दिन किन के नाम से याद किया जाता है? आज का दिन इनको मंसूब किया गया? जी हाँ, सही कहा आपने, आज है 14 नवंबर और आज है चिल्ड्रंस डे, यानी आपका दिन। अब आप सोचेंगे कि 14 नवंबर से हमारा क्या ताल्लुक? तो बच्चों असल में आज 14 नवंबर हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाचा नेहरू की सालगिरह है। अब आप ये सोचेंगे कि उनकी सालगिरह से हमारा क्या ताल्लुक? उनको बच्चों से बहुत प्यार था, वो बहुत मसरूफ शख्सियत थी, वो अवामी समाजी और सियासी रहनुमा शख्सियत थी, लेकिन जब भी उनको फुर्सत मिलता वो अपने कुछ औकात बच्चों के साथ गुजारते थे, उन्हें कहानियाँ सुनाते, उनके साथ गपशप करते, उनसे बातें करते और बहुत प्यार करते थे बच्चों से। उस दिन के बाद से ही, मतलब जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद 14 नवंबर को स्कूलों में, तालीमी अदारों में उनके इस सालगिरह के दिन को चिल्ड्रंस डे यानी यौमे अतफाल के तौर पर मनाया जाने लगा। और मैं यही कहूँगा कि हमारे बहुत सारे सियासी, अवामी या सामाजिक रहनुमा दुनिया में आए और गए, हम उनके दिनों को मनाते हैं, मनाते रहेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे कौम के नौनिहालों और मीमारों के लिए जो ख्वाब देखा है ज़बान की खिदमत का, मुल्क की खिदमत का, कौम की खिदमत का, उसे हमें पूरा करना है। तो आज हम ये अहद करते हैं कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ने शेर मशहूर टीपू सुल्तान, जिनका बर्थडे 10 नवंबर को गया, और 3 रोज पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ऐसे कई सियासी रहनुमाओं ने, समाजी रहनुमाओं ने मुल्क के लिए जो ख्वाब देखा है उसे हमें पूरा करना है। हम दिन मनाते रहेंगे और हमारे इन रहनुमाओं के ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। आज यौमे अतफाल के मौके पर हमारी क्लास के बच्चों ने चाचा नेहरू की ड्राइंग्स बनाई है। तो चलिए हम ड्राइंग्स देखेंगे कि बच्चों ने किस तरह से ड्राइंग्स बनाई है। माशाल्लाह बहुत खूब ड्राइंग्स बनाई है बच्चों। इस प्रोग्राम का इख्तिताम मैं करती हूँ और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए।